नब्बे का दशक मुंबई, मुंबई के दादर, नागपाड़ा, धारावी, माटुंगा जैसे इलाकों में केस ले जा रही बैंक वैनों पर एक के बाद एक कई डकैती हुई, लाखों रुपये लूट लिए जाते। वहीं इन एरिया में बिल्डरों से, डॉक्टरों से बंदूक की नोक पर फिरौती वसूली जाती, यानी उस गैंग का आतंक अखे एरिया में तांडव मचा रहा था। उस गैंग में एक से बढ़कर एक सन की और धक्कड़ छोकरे थे, और गैंग को लीड करने वाला 6 फीट लंबा, रावण जैसी आंखें, चेहरे से मानो काल भैरव जितना भयानक रुद्र रूप था, उससे भयानक उसकी करतूतें थी। लिहाजा मुंबई पुलिस उस गैंग का खात्मा करना चाहती थी। उस वक्त के कमिश्नर शिवानंद झा ने इस गैंग का पत्ता साफ करने के वास्ते एक रावस टीम बनाई। फिर क्या होना था, लुका छुपी वाला खेल शुरू हुआ। एक दिन मुंबई के दादर एरिया में उन 5 पंटरों का पुलिस से आमना सामना होता है। करीब 15 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां बरसती है, गोलीबारी थमी। पुलिस ने देखा तो 5 के 5 खून से लथपथ लुढ़क चुके थे। तुरंत इन डेड बॉडीज को अस्पताल लाया जाता है, जहां 5 के ऊपर सफेद कपड़ा डाल दिया जाता है। डॉक्टर लोग इन डेड बॉडीज की पहचान कर रहे थे, तभी चेक की पतलून से आईडी कार्ड निकलता है, जहां नाम लिखा था डीके राव। कुछ देर बाद डीके राव सफेद कपड़ा हटाकर खड़ा होता है और बोलता है, साहेब अपुन अभी जिंदा है, मरा नहीं। इस घटना को देख वहां मौजूद पुलिस से लेकर डॉक्टर लोग के खोपड़े का फ्यूज ढीला हो गया। आनन फानन में उसका इलाज शुरू हुआ, क्योंकि उस दिन डीके राव को 7 गोलियां लगी थी, फिर भी डॉन जिंदा था। कैम जो मजामा भाई लोग, मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी में आज बात होएगी गैंगस्टर रवि मलेस और डीके राव की। पता नहीं किस तरह की किस्मत लिखवा कर आया है ये मॉन्स्टर। 3 दिन बाद मौत को छू के टक से वापिस आने वाला रामामा डीके राव, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टरों में 1 एंड ओनली कट पीस है, क्योंकि पुलिस की गोली भी उसकी बॉडी में घुसते ही पिघल जाती है। लगता तो ऐसा है कि मुंबई पुलिस की गोली पर डीके राव का नाम नहीं लिखा गया, शायद विधाता ने उसकी मौत का अध्याय किसी और तरीके से लिखा होएगा। तो भाई लोग, ये तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर एक्शन से भरपूर है। मेरे वीरो, ये कहानी शुरू हुई थी मुंबई के माटुंगा से। धारावी और माटुंगा बंबई के 2 ऐसे कस्बे हैं जहां पर साउथ इंडियन लोगों की आबादी हद से ज्यादा है। सन 1956 में रवि मलेस बोरा के बापू कर्नाटक से बंबई आए, आकर माटुंगा में बस गए। उस वक्त माटुंगा का बादशाह था तमिल डॉन वरदराजन मुदलियार, जिसे अक्की बंबई वरदा भाई से जानती थी। इधर रवि मलेस बड़ा हुआ, बापू था गरीब, पढ़ाई लिखाई में कोई मन न था, तो इलाके में कभी कभार चोरी कर लेता। इसी बीच उसकी यारी हुई धारावी के कुछ लबड़े बाजों से। ये छोकरे लोग छोटा राजन गैंग के पंटरों के लिए काम करते थे। इधर रवि मलेस ने उन छोकरे लोग के साथ मिलकर लड़ाई झगड़ा, मारपीट, रोबरी, लूट जैसी वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन लबड़े बाजों का हौसला बढ़ा, लेकिन रवि मलेस का थोपड़ा था गुंडों वाला, और कैरेक्टर से तो 24 कैरेट गुंडा था। उसे वरदा भाई का गैंग ज्वाइन करना था, लेकिन वरदा भाई के गैंग में घुसना आसान नहीं था। इसी बीच रवि मलेस की टोली ने केस ले जा रही बैंक वैनों को लूटना शुरू किया। इसी केस में वह पुलिस के हत्थे चढ़ा, आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। वही जेल में बंद था मुंबई के घाटकोपर का दादा छोटा राजन। दोनों की मुलाकात हुई। छोटा राजन ने देखा लौंडे में डेरिंग है, मसल पावर भी तगड़ा है। छोटा राजन ने बोला, जेल से छूटने के बाद अपुन के पास आने का, अपन तेरे को काम देगा। मानो रवि मलेस की लॉटरी लग गई। 80 का दशक था, रवि मलेस छोटा राजन का गैंग ज्वाइन कर चुका था। छोटा राजन के वास्ते मर्डर, किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे काम करने लगा। कम समय में उसके ऊपर 20 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे। इधर मुंबई पुलिस इस गैंग का सफाया करना चाहती थी। एक दिन रवि मलेस की अक्की टोली किसी का शिकार करने निकली थी। इधर नागपाड़ा पुलिस को इस बात की मुखबिरी मिल चुकी थी, और नागपाड़ा में पुलिस अफसर अनिल महाबोले और रवि मलेस के बीच मुठभेड़ होती है। रवि मलेस के सारे पंटर घायल हो जाते हैं। रवि को एक गोली लगती है, फिर भी एड़ा भाई बच जाता है। इसके बाद रवि मलेस ने साइन हॉस्पिटल के डॉक्टर से फिरौती मांगी। डॉक्टर था पावरफुल, पुलिस तक जबान रखता था। इसी चक्कर में मुंबई पुलिस
और रवि मलेस के 5 पंटरों के बीच दादर में मुठभेड़ होती है। रवि मलेस को 7 गोलियां लगती है। एड़ा पोस्टमार्टम रूम से जिंदा वापिस आता है और यहीं पर आईडी कार्ड में रवि मलेस की जगह डीके राव नाम लिखा था और तब से पुलिस फाइलों में रवि मलेस बोरा का नाम डीके राव से दर्ज हो गया और आज भी इसी नाम के साथ जी रहा है। अब बात करें तीसरी बार मौत को टक्कर देने की। उस दिन उसका सामना हुआ था एक लेडी सिंघम से। दरअसल मुंबई के सांताक्रूज एरिया में डीके राव और इंस्पेक्टर मृदुला लाड के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई थी। उस दिन भी डीके राव को 3 गोलियां लगी थी और तीसरी बार भी मौत को छू के आया था, वो भी जिंदा। फिर डीके राव का दबदबा एक गैंगस्टर के तौर पर अक्की बंबई में बढ़ चुका था। हालात बदल चुके थे। छोटा राजन दुबई कल्टी मार लिया था। यहाँ मुंबई में छोटा राजन गैंग को संभालने वाला बेटा था डीके राव। उधर छोटा राजन और दाऊद के बीच दुश्मनी हो गई। साल 2000 में दाऊद ने छोटा राजन पर हमला करवाया जब वह बैंकॉक में था। इस हमले की चापलूसी का आरोप लगा छोटा राजन के राइट हैंड ओपी सिंह पर। उस वक्त ओपी सिंह नासिक जेल में बंद था। इधर छोटा राजन ओपी सिंह को ठोकना चाहता था। साल 2002 राजन के कहने पर डीके राव अपने 10 पंटरों के साथ आर्थर जेल से ट्रांसफर करवाकर नासिक जेल चला जाता है और कुछ दिनों बाद ओपी सिंह का गला दबाकर जेल में इस राम नाम सत्य कर डालता है। अब तक डीके राव के ऊपर 32 केस दर्ज थे। साल 2016 में सभी केसों में बरी होकर बाहर आया। उसने धारावी में एक पार्टी रखी जिसमें 10-12 पुलिस वाले भी आए, लेकिन ये बात लीक हो गई। 9 पुलिस वाले सस्पेंड हुए तो पुलिस के साथ दुश्मनी हो गई। उधर डी कंपनी भी डीके राव का गेम बजाना चाहती थी। अब डीके राव समझ चुका था कि बाहर रहूंगा तो पुलिस की गोली या दुश्मन की गोली से मारा जाऊंगा, तो उसने दिमाग चलाया, एक बिल्डर से 50 लाख की रंगदारी मांगी और इस केस में जेल चला गया। कहते हैं कि डीके राव ने अपनी जिंदगी के 25 साल जेल में गुजारे हैं और आज भी जेल में ही है। तो भाई लोग, ये थी डीके राव की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।